अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना नहीं आता है, तो बहुत सारे यहाँ पर मैसेज कर रहे हैं, तो मैं सभी को रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, मैं आपको सिखाऊँगा इस वीडियो में। आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र जैसे ही आप ओपन करोगे, आपको यहाँ पर सर्च करना है, CUT आपको ऐसे सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर देना है, यहाँ पर पासवर्ड और यहाँ पर सिक्योरिटी पिन। तो जैसे ही आप लॉगिन करोगे ऐसे आपको लॉगिन करना है, सिक्योरिटी पिन ऐसे देनी है, फिर लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो अगर आपने अभी तक सिटी स्लिप डाउनलोड नहीं की, इस पर क्लिक करना है, आपकी सिटी स्लिप डाउनलोड हो जाएगी। या एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो इस पर क्लिक करना है। अगर किसी को सिटी स्लिप डाउनलोड नहीं हो रही है तो इसका मतलब उसको 1 जून के बाद एग्ज़ाम होगा, और एडमिट कार्ड सिर्फ उनको ही डाउनलोड होगा जिनको 21 मई, 22 मई, 23 मई, 24 मई को एग्ज़ाम है, सिर्फ उनको ही यहाँ पर ये एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको अपना एप्लीकेशन नंबर या पासवर्ड याद नहीं है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको एप्लीकेशन नंबर या पासवर्ड याद नहीं है, जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको फॉरगेट पासवर्ड और एप्लीकेशन आएगा। किसी को यहाँ पर पासवर्ड याद नहीं है तो वो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड क्लिक पे क्लिक करेगा, और फिर इस पर क्लिक करेगा, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेगा। उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर देना है, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ और सिक्योरिटी पिन, और फिर यहाँ पर सेंटो वेरिफिकेशन कोड पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर OTP देना है और नया पासवर्ड रख देना है। ऐसी किसी को यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर याद नहीं है तो यहाँ पर वो एप्लीकेशन नंबर पे क्लिक करेगा, उसके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। एप्लीकेशन नंबर अगर किसी को याद नहीं है तो एप्लीकेशन नंबर पे वो क्लिक करेगा, उसको यहाँ पर अपना नाम देना है, अपने फादर का नाम देना है और मदर का नाम देना है, और डेट ऑफ बर्थ देनी है। ये सब करने के बाद आपको यहाँ पर गेट एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। तो ऐसे ही आप कर सकते हो, एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ पर अपना पासवर्ड भी नए से रख सकते हो जिसको याद नहीं है, या किसी को एप्लीकेशन नंबर भी याद नहीं है। अगर अभी भी किसी को डाउट है तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने यहाँ पर व्हाट्सएप में सेंड कर दी थी, तो उस पर क्लिक करो और मुझे इंस्टाग्राम पर DM करो। अब इस वीडियो को ऐसे ही बाइक फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो जिनको नहीं आता है।